नेक्स्ट इज, अब टेन इनवर्स अंडर रूट 4x² + 5 एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x³ का 3x². अब इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, x³ × 1/1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x² + 5 इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2 4x² + 5 पावर क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा प्लस, सॉरी प्लस, सॉरी इसका नेक्स्ट ही मैंने डेरिवेटिव ले लिया नेक्स्ट फंक्शन का, तो वो क्या आ जाएगा 1/2 4x² मेरे पास प्लस 5 पावर 1/2 इंटू मेरे पास 4x² का डेरिवेटिव जब अंदर वाले फंक्शन का आएगा तो वो क्या आ जाएगा 8x। सिंपल आपके पास आ जाएगा प्लस आपके पास नेक्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा प्लस 10 inverse √4x² + 5 इंटू 3x². अब यहाँ पे 2 को कैंसिल कर देती हूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, सो मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस 4x² ओवर मेरे पास क्या आ जाएगा 4, जब मैं इसको करूँगी 4x² + 6 मेरे पास आ गया, वो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x² + 6, और इसको -1/2 है तो मैं इक्वल वो नीचे ले आऊँगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा √4x² + 5 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू प्लस 10 inverse √4x² + 5। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया एज अ होल रिजल्ट आ गया किस फंक्शन का, फंक्शन जो है वो मेरे पास क्या था y दैट इज़ इक्वल्स टू x³ 10 inverse √4x² + 5। ठीक है, तो ये इसका मेरे पास सिंपल कह लो डेरिवेटिव आ। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या है प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन क्या है y दैट इज़ इक्वल्स टू x इंटू e पावर 2x / 4x² + 5।